हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है टू वायर ऑपरेशन विद एक्सटर्नल पोर्ट के टर्मिनल कनेक्शन और उसके पैरामीटर को कैसे सेट किया जाए। तो जो आज हमारे पास वीडियो है वो हम बना रहे हैं ABB की VFD के ऊपर। तो इसका मेक ABB है और मॉडल नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्राइव के साइड में दिया हुआ है यहाँ पर। तो ABB की VFD है और ये है आपका ACS 150 सीरीज की ये VFD है। तो ACS 150 की पूरा कंप्लीट की बात करें तो ACS 150-03E-0888-4। तो खाली सीरीज की बात करें तो ACS 150 और ये 4 किलोवाट की 5 HP की ड्राइव है, 3 फेज 400 वोल्ट, ये देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले इसके कीपैड के बारे में जानकारी देता हूँ आपको, इसके कीपैड पे कौन कौन से कीपैड हैं, कैसे कैसे काम करेंगे। तो ये आपका फ्रंट व्यू है VFD का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा भी है एग्जिट और रीसेट का, एक ही ये वाला बटन है। उसके बाद एंटर और मेन्यू का ये वाला है कीपैड है। अप एंड डाउन ये है फ्रेंड लोकल रिमोट का, ये है स्टॉप का और ये है स्टार्ट का। और ये वाला जो कीपैड है ये हमारा रोटेशन चेंज करने का, ये लोकल में चलानी हो आपको, रोटेशन चेंज करने हो क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो ये उसके लिए है। तो ये रोटेशोमीटर है इसका ड्राइव का। उसके बाद मैं कनेक्शन भी आपको अभी बता ही देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर SCR AI ग्राउंड 10 वोल्ट, 24 वोल्ट, ये सब दिए हुए हैं। तो इसमें कनेक्शन मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा पोटेंशियोमीटर के। ये देखिए मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ही हम कनेक्शन किए हुए हैं। आप एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। तो ये देखिए जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर VFD ABB मॉडल ACS 150। तो ये VFD साइड के कनेक्शन है, इस तरीके से ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए SCR AI ग्राउंड 10 वोल्ट, 24 वोल्ट, ये सब। तो इसमें पोटेंशियोमीटर के और सिलेक्टर स्विच के यानी कि ऑन ऑफ के लिए दोनों के कनेक्शन मैंने किए हुए हैं एक्सटर्नल के लिए। लोकल भी बता दूंगा आपको, अभी ये फ़िलहाल एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम अभी। तो ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के ये 3 वायर आए हैं। ये देखिए ये मैंने ड्राइंग बनाई हुई है पोटेंशियोमीटर की। तो 10 वोल्ट यहाँ से उठाया हमने, यहाँ दे दिया और ग्राउंड हमने एक नंबर पर दे दिया और 10 वोल्ट 3 नंबर पर दिया। और उसका वेरिएबल जो वोल्टेज है यहाँ से जो 2 नंबर से आएगी वो हमने AI में दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारे पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन। इसी तरीके से देखिए ये सेम मैंने किए हुए हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। तो ये मेरे पास पोर्ट है, ये देखिए मेरे पास पोर्ट है, ये देखिए इसी तरीके से इस पर ड्राइंग भी बनी है। 10K का ये मेरे पास पोर्ट है, ये देखिए। तो ये देखिए 1, 2, 3 लिखे हुए हैं, 2 नंबर आउटपुट है, 1 और 3 नंबर इसका 10 वोल्ट और ग्राउंड का टर्मिनल है। तो देखिए 3 नंबर पे मैंने ब्राउन लगाई है, 2 नंबर पे आउटपुट लगाई है यानी कि ये ब्लू लगाई है, और 1 नंबर पे 0 वोल्ट लगाई यानी ग्राउंड लगाई है ब्लैक कलर की। चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको ये। तो ये देखिए मैंने ब्राउन जो है 10 वोल्ट पे लगाई है, 10 वोल्ट पे, ब्लैक जो है ग्राउंड पे लगाई है, और ब्लू जैसे कि मैंने आपको बताया आउटपुट पे यानी पोटेंशियोमीटर के एनालॉग पे लगाई है, AI पे लगाई है। तो ये थे पोर्ट के कनेक्शन हमारे। उसके बाद मैं आपको कीपैड ये पैरामीटर बाद में बताऊंगा, पहले कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं पहले, सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन के लिए 2 वायर के लिए बात कर रहे हैं हम। तो ये ओनली मैं आज की वीडियो 2 वायर की बना रहा हूँ, उसके बाद 3 वायर भी बताऊँगा आपको। तो 2 वायर के लिए फ्रेंड सबसे पहले हमें सिंक चलाना है या सोर्स चलाना है, वो दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। वो कैसे हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कॉमन में 24 वोल्ट देंगे तो आपको ग्राउंड देना पड़ेगा DI1 में, लेकिन इसमें मैंने क्या किया हुआ है, देखिए ग्राउंड और कॉमन में एक लूप लगा दिया यहाँ पर, ग्राउंड में, देखिए ग्राउंड और कॉमन में लूप लगा दिया यानी कि मैंने ये सोर्स कर दिया, सोर्स बोल सकते हैं इसको। कॉमन में हमने ग्राउंड दे दिया और हम 24 वोल्ट को हम घुमा देंगे सेलेक्टर स्विच के थ्रू। 24 वोल्ट उठाया सेलेक्टर स्विच में, दिया यहाँ इसके NO में, और दूसरी साइड से निकल के ये DI1 में चलेगा। जैसे ये DI1 पहुँचेगा हमारी ड्राइव जो स्टार्ट हो जाएगी। सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन है, तो एक मैंने टॉगल स्विच लगाया हुआ है उस पर, उसके कनेक्शन इसी तरीके से किए हुए हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं।
तो ये देखिए, ये तो मैंने लूप जो मैंने आपको बताया ग्राउंड में और कॉमन में मैंने लूप लगाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स। और 24 वोल्ट मैंने ये ब्राउन कलर की ये वायर जो है इसमें मैंने ये टॉगल स्विच लगाया हुआ है। तो 24 वोल्ट मैंने यहाँ से उठाई है, जैसे ही टॉगल स्विच को मैं ऑन करूँगा ये ग्रीन वाले में को 24 वोल्ट निकल के ये DI1 में चली जाएगी, ये DI1, ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्राइव जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गए कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ड्राइव को ऑन करते हैं और मैं आपको इसके पैरामीटर के बारे में बताऊंगा, रेफरेंस का पैरामीटर और स्टार्ट कमांड का पैरामीटर कौन सा हमें सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स VFD को स्टार्ट ऑन करते हैं। ये मेरे पास 3 फेस है, मैंने ऑलरेडी कनेक्शन किए हुए हैं, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए LN, ये देखिए ये मैंने मेंस के कनेक्शन है, ये देखिए 3 फेस की। ये मोटर के कनेक्शन है U1 V1 DW2, ये मैंने मोटर यहाँ पर लगाई हुई है, ये मोटर भी मैंने लगाई हुई है साथ साथ। तो चलिए मैं पावर अप करने जा रहा हूँ इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पावर अप कर दिया भैया, अभी देखिए इसका फैन चलने लगा है और ड्राइव पे ये देखिए ये कंडीशन है अभी डिस्प्ले की। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है रिमोट REM, यानी कि अभी ये रिमोट पे है, हर्ट्स दिखा रहा है और ये फॉरवर्ड दिखा रहा है कि फॉरवर्ड कंडीशन में फॉरवर्ड चलेगी आपकी। और इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा था आपको कि लोकल में कैसे चलाएंगे, तो पहले लोकल बता देता हूँ आपको। लोकल के लिए लोकल रिमोट का बटन है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारा ये रिमोट की जगह लोकल लिखा आ जाएगा। तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने प्रेस किया, लोकल लिखा है यहाँ पर भी और ये यहाँ परमानेंट लिखा आ गया LOC। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा ये लोकल मोड में पड़ी है, लोकल में डायरेक्ट चल जाएगी फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हो जाएगी हमारी ड्राइव, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। चलिए करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने स्टार्ट की, देखिए ये मोटर हमारी रोटेट होने लगी है। फ्रिक्वेंसी अभी कम कर रखी है, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए 5, 9, 10, 12, 14 हमारी देखिए स्पीड तेज हो गई है। अब रोटेशन का भी दिखा देता हूँ एक्टिव करके, तो अभी थोड़ा कम करके दिखाता हूँ आपको ये किस साइड में क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी जो है एंटी क्लॉक चल रही है, देखिए ये एंटी क्लॉक चल रही है। जैसे ही मैं ये दबाऊंगा प्रेस रोटेशन चेंज का, तो रोटेशन हमारी चेंज हो जाएगी, देखिए ये रुक गई और ये देखिए क्लॉक वाइज घूमने लगी। और यहाँ पे भी तुरंत ही लिखा जाएगा रिवर्स, जैसे इसको प्रेस दोबारा करूँगा यहाँ फॉरवर्ड लिखा जाएगा, फिर रोटेशन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए ये दबाया, ये फॉरवर्ड लिखा है यहाँ पर और ये हमारी उसी तरीके से घूमने लगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स लोकल के लिए, लोकल में आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लोकल दबाया और ड्राइव को स्टार्ट किया। रिमोट के लिए वही आपको रिमोट दोबारा दबाना पड़ेगा, ये वाला प्रेस, देखिए रिमोट आ गया, RE लिखा आ गया, यहाँ पर भी REM आ गया। तो इस तरीके से हमारी रिमोट में आ गई। रिमोट में आने के लिए अभी हमें ये एक्टिव करने हैं हमारे टर्मिनल, यानी कि 2 वायर का और पोटेंशियोमीटर को एक्टिव करने के लिए हमें पैरामीटर को इंसर्ट करने पड़ेंगे इसमें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ जाना है। तो देखिए फॉर रेफरेंस पैरामीटर है आपका 1103 नंबर। तो 1103 में 0 में कीपैड के लिए 0 करना पड़ेगा और एक्सटर्नल पोर्ट के लिए हमें 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि AI1। और 2 नंबर ड्राइव का पोर्ट अगर सेलेक्ट करना है और AI3 है तो जॉयस्टिक या AI1 के लिए। तो अभी हम AI1 एक्सटर्नल पोर्ट लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल पोर्ट के लिए 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स 1103 पैरामीटर में जाने के लिए हमें सबसे पहले एंटर की प्रेस करेंगे, ये मेन्यू खोलने के लिए। तो ये एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पर आ रहा, देखिए पैरा PARL, तो PARL में एंटर करेंगे दोबारा। तो हमें फ्रेंड्स 1103 पैरामीटर में जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 11 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो अब की से हम 11 नंबर करेंगे, देखिए ये 11 आ गया, 11 को सेलेक्ट कर देंगे। 11 को सेलेक्ट करते ही 1100 के पैरामीटर आपके खुल गए उसमें आ गए। तो 1101 अभी हमें जाना है 1103 में, तो 1103 में जाने के लिए अब की दबाएंगे, ये 1103 में आ गए हैं। एंटर की प्रेस करूँगा तो अभी ऑलरेडी इसमें 1 पड़ा हुआ है, तो 1 ही हमें करना था फ्रेंड्स, ठीक है। अभी 1 ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको चेंज करने के लिए दोबारा एंटर कर देंगे। देखिए जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से आने लगेगा सेट, तो इस टाइम पे हम इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। 2 कर दिया, ये देखिए ड्राइव पोर्ट पर करना है तो 2 कर दिया, कीपैड से करना है अगर हमारे रेफरेंस इन से तो 0 कर दिया। तो अभी हम एक्सटर्नल पोर्ट को एक्टिव करेंगे तो उसके लिए 1 करेंगे,
वन कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा सेव हो चुका है। चेक करने के लिए दोबारा एंटर कर लिया, सेव हो चुका है, एग्जिट हो गए। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स रेफरेंस के लिए। अब हम स्टार्ट कमांड के लिए भी कर देते हैं। तो अब इसके बाद हम बैक आएंगे, एग्जिट करके बैक आए, 11 नंबर है। अब हमें जाना है फ्रेंड 9902 में। तो इसके लिए हम 99 ग्रुप में जाएंगे। अभी जैसे 11 ग्रुप में गए थे पहले, तो इसको डाउन की से ये 99 आ गया, 99 पे एंटर कर देंगे। तो देखिए 9902, अभी हमें 9902 पर ही जाना था, तो यही आ गया सबसे पहले। तो 9902 को एंटर करेंगे तो 2 पड़ा हुआ है यहाँ पर, और 2 देखते हैं किस चीज़ का है। 2 3 वायर का है, तो हम आज का वीडियो हमारा 2 वायर का है, तो इसमें हम 1 कर देंगे। तो एंटर किया, दोबारा एंटर के ए दोबारा एंटर करेंगे दो बार, तो सेट आ गया लिखा हुआ। जब सेट आ गया तो इसको चेंज कर देंगे, 1 कर देंगे, 1 कर दिया। देखिए अब सेलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो मैंने एंटर कर दिया, तो अभी 1 हो चुका है सेलेक्ट। दोबारा चेक करने के लिए एंटर दबा के चेक कर देंगे, देखिए 1 हो चुका है। तो अभी हमारा कमांड का स्टार्ट कमांड का भी सेट हो चुका है 2 वायर पे, और रेफरेंस का भी सेट हो चुका है 1103 पे, 1 सेलेक्ट कर देंगे। तो एग्जिट आके बाहर आ जाएंगे, अभी बाहर आ गए। देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स सेलेक्टर स्विच के थ्रू इसको। तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने स्टार्ट किया, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है और मोटर हमारी चल चुकी है। देखिए उसके बाद हम पोर्ट से स्पीड को वैरी करके देखते हैं कि हमारा पोर्ट भी लाइन में है या नहीं है। तो अभी देखिए 9.5 फ्रीक्वेंसी है, उसको बढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने बढ़ाया, ये देखिए 25 26, और बढ़ाता हूँ, ये देखिए 40 42 50, देखिए पूरी मैंने फुल कर दिया 50 हर्ट्ज़ पे। अब इसको कम करता हूँ, ये देखिए कम हो रही है, ये देखिए पूरी ज़ीरो हो गई है। थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखिए 10-11 हर्ट्ज़ पे मोटर हमारी घूमने लगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, टू वायर कनेक्शन और एक्सटर्नल पोर्ट के कनेक्शन और उसके पैरामीटर। इसमें कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स थ्री वायर का, इसमें आपको 3 वायर के कनेक्शन और उसके पैरामीटर के बारे में सेट करके दिखाऊंगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।